हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि 12th क्लास के बच्चों को अकाउंट्स पढ़ाऊंगा जिनका भी सिलेबस CBSE से मैच करता है, और CBSE वालों को पूरे साल डेली टाइमिंग्स चेंज हो सकते हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये मैंने बोल दिया, आपको प्रॉमिस कर दिया है तो कर दिया है। हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप खत्म कर चुके हैं और अब मैं एडमिशन करा रहा हूं, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर की वेटेज ज़्यादा है बच्चों। मिनिमम 13 मार्क्स के क्वेश्चन CBSE में इसमें आते ही हैं, तो इसलिए ये चैप्टर मैं फंडामेंटल के जस्ट बाद करा रहा हूं। और NPO हमने अभी नहीं किया है, NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, सिलेबस कन्फर्म होने के बाद, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस होने वाला है जुलाई में, तो सिलेबस कन्फर्म होने के बाद ही मैं NPO कराऊंगा। मुझे लग रहा है कि शायद NPO हट जाएगा सिलेबस में से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं एडमिशन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना, क्योंकि दो या तीन पार्टनर पहले से हैं और एक नया पार्टनर आया है जिसके आने से पुराने पार्टनर्स का शेयर कम हो गया है, तो कंबाइंडली उनकी न्यू रेशियो क्या होगी ये हमें फाइंड करना होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना। केस वन करते हैं बच्चों, सबसे ईजी केस है, ईजी है फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि मुझे टोटल केसेस बताने होते हैं। तो केस वन में ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, 3:2 में बिजनेस करते हैं और सी आया है 1/4 के लिए, ठीक है, सी 1/4 के लिए आया है और ए और बी 3:2 में बिजनेस करते हैं। अब इसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझिए आप कि जब भी पिज्जा आता था तो ए और बी उसके 5 इक्वल पीसेस करते थे, 3 पीसेस लेता था ए और 2 पीसेस लेता था बी, लेकिन अभी एक नया फ्रेंड आ गया है जिसको चाहिए पिज्जा का 1/4, तो क्या करेंगे आप, पहले उसको 1/4 दे देंगे। इजी तरीका यही है, आप उसको 1/4 दे देंगे, ये हमने सी को दे दिया, तो अब बच गया है 3/4 पिज्जा। इस बचे हुए पिज्जा को कैसे डिवाइड करेंगे ए और बी, आप बताइए, जिस रेशियो में वो पहले से करते थे 3:2 में उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो अब क्या करेंगे, वो एक कटर मंगाएंगे, पिज्जा कटर, और इस बचे हुए पिज्जा रिमेनिंग पिज्जा के इक्वल 5 पीसेस काटेंगे और उसमें से 3 ए ले लेगा और 2 पीसेस ले लेगा बी। ऐसा ही हमेशा करते आए थे, ऐसा ही अब करेंगे, तो बिल्कुल यही हमें क्वेश्चन में करना है बच्चों। एज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर क्या होगा, बचे हुए पिज्जा, बचा हुआ पिज्जा है 3/4, मैं ऐसे बना देता हूं, इस बचे हुए पिज्जा का 3/5 मिलेगा ए को, 3/5 दैट इज 9/20। बी का न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा का 2/5 और सी, सी का शेयर 1/4 है। बेस इक्वल करना होता है क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज में हमने सीखा था बचपन में कि अपॉन में जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, तो अपॉन में वहां 20 है, यहां पे 4 है, तो 5/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो 5/20, तो न्यू रेशियो हो गई 9/6/5, 9/6/5 हो गई हमारी न्यू रेशो बच्चों। तो ये हो गया हमारा केस वन, अब हम चलते हैं केस टू की तरफ। बच्चों अब हम करते हैं केस टू। केस टू में क्या हुआ है, स्टोरी से समझने की कोशिश करना। ए और बी दो फ्रेंड्स हैं, सी 1/4 के लिए आया है और सी थोड़ा चौधरी टाइप का, दबंग टाइप का है, दिल्ली के अंदर चौधरी दबंग टाइप के लोगों को बोलते हैं, तो सी चौधरी है, दबंग टाइप का है, और उसने देखा कि ए हमेशा ज्यादा लेता है, बी को कम देता है, तो उसने बोला कि भाई ऐसा है, अब मेरे आने के बाद मुझे 1/4 दे दो और जो बच गया है अब आप उसे इक्वली डिवाइड करो, ठीक है, ये मेरा फैसला है, मुझे 1/4 देने के बाद जो बच गया उसे इक्वल डिवाइड करो, कोई पार्शियलिटी यहां नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा केस टू। ये जरूरी नहीं है कि वो आकर के इनका फैसला करवाए और बोले कि मेरे बाद जो बचा हुआ शेयर है उसको इक्वल डिवाइड करो, वो ये भी कह सकता है कि मुझे देने के बाद जो बचा हुआ शेयर है उसको आप रिवर्स रेशियो में डिवाइड करो, अब तक 3:2 में डिवाइड होता था तो अब 2:3 में डिवाइड करो, तो वो ऐसा भी कह सकता है। तो हम प्रैक्टिस के लिए ऐसा क्वेश्चन एक और कर सकते हैं, बट अभी हम ये वाला करते हैं। तो इस क्वेश्चन में सी को 1/4 देने के बाद, यानी बचा हुआ जो पिज्जा है
जो 3/4 बचा हुआ पिज्जा है उसको आप ए और बी इक्वली डिवाइड करेंगे क्योंकि ऐसा ही उन्होंने डिसाइड किया है। तो ए'ज न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा का हाफ, क्योंकि इक्वल है दो लोग, बचे हुए पिज्जा का हाफ क्योंकि डिसाइड किया था इक्वली लेंगे, तो बचा हुआ पिज्जा 3/4 है और इक्वली का मतलब हाफ हाफ। और C का शेयर है 1/4, बेस सेम करने के लिए 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 3/8 एंड 2/8, 3 2 हो गया। प्रैक्टिस के लिए आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन मैं लिख दूंगा, आप उसको स्क्रीन को पॉज कर देना, स्क्रीन को पॉज करके आप सॉल्व कर लेना, फिर आंसर मैच करना। बच्चों ये क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है, आप स्क्रीन को पॉज कर लेना और उसके बाद उसको सॉल्व करना। मैं समझा देता हूँ क्या हुआ है कि सी ने 1/4 लेने के बाद बोला कि तूने बहुत नाइंसाफी की है, ए से बोला तूने बहुत नाइंसाफी की है, अब आज के बाद उल्टा होगा, इस बचे हुए पिज्जा को तुम रिवर्स रेशियो में डिवाइड करोगे यानी 2:3 में। तो बच्चों स्क्रीन पॉज कर दो, सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ, और जब आपका आंसर आ जाए तब आप मैच करना कि आपका सही है या गलत। बचा हुआ पिज्जा है 3/4, इस बचे हुए पिज्जा का 2/5 कम मिलेगा इस बार ए को, 6/20, और इस बचे हुए पिज्जा का 3/20 ज्यादा मिलेगा, 3/5 9/20, और सी का शेयर 1/4 है, बेस सेम करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/26 9 एंड 5। तो बच्चों ये हो गए हमारे दो केसेस। तो बच्चों केस 3 मैंने आपके सामने लिख दिया है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल गई है। ए और बी ने डिसाइड किया था कि हम सी को अपना पार्टनर बनाएंगे, तो डील करने के लिए उन्होंने उसको पिज्जा हट में इनवाइट किया था कि कुछ खाएंगे पहले, वहीं पे बात करते रहेंगे और डील फाइनल करेंगे। तो ए और बी पिज्जा हट पहुंच गए, लेकिन सी अभी आया नहीं, ए और बी को लगा कि शायद वो आएगा भी नहीं, तो ए और बी ने जो अपना पिज्जा मंगाया था उसको 6:4 में, यानी 10 पीसेस करे और 6 पीसेस ए के पास और बी के पास 4 पीसेस, ऐसी उनकी रेशियो रही होगी। डिवाइड कर लिए, खाना स्टार्ट करने वाले ही थे तभी सी आ गया, तो इनको बड़ा एम्बैरेसिंग लगा, बट ये अच्छी बात थी कि खाना स्टार्ट नहीं किया था। तो सी ने बोला कोई बात नहीं, एक प्लेट अलग से मंगवा दो, और एक पीस ए से बोला कि आप अपनी प्लेट में से उठा के दे दो, और बी से बोला एक पीस आप अपनी प्लेट में से उठा के दे दो, यही इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का अग्रीमेंट है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में 1/10 ये ए से ले रहा है और 1/10 ये बी से ले रहा है, तो अब देखिए कैसे करेंगे इसको। एज न्यू शेयर जो उसकी प्लेट में रखा है उसमें से माइनस कर दो जो उसने सी को दिया है, उसकी प्लेट में रखा है 6/10 और उसने 1/10 दिया है सी को, तो अब रह गया 5/10, इजी। बीज न्यू शेयर जो उसकी प्लेट में रखा है 4/10 और जो उसने 1/10 सी को दिया है, तो अब रह गया 3/10, और सी को क्या मिला है, 2 पीसेस जो ए और बी से लिए उसने उनको प्लस कर दो, वो सी का शेयर हो गया। तो 1/10 + 1/10 2/10, तो रेशो हो गई 5/3 2 5/3 2। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, स्क्रीन पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लेना। तो बच्चों आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिख दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है स्क्रीन पॉज करके, मैं भी सॉल्व कर रहा हूं और बाद में आंसर मैच करना। अगर आपका आंसर मैच कर गया तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, और अगर आंसर मैच नहीं करता है तो आप एक बार पीछे जाके फिर से देखिए और फिर दोबारा सॉल्व कीजिए। तो एज न्यू शेयर क्या होगा इसमें, 5/9 उसकी प्लेट में पहले से है और 1/9 उसने सी को दिया है, तो बच गया उसकी प्लेट में 4/9। बी की प्लेट में 4/9 पहले से है और उसने 1/9 सी को दिया है, तो अब बच गया उसकी प्लेट में 3/9, और सी का शेयर 2 पीसेस 1/9 1/9 उसने लिए हैं 2/9, तो न्यू रेशो हो गई 4/3 2, दिस इज आर न्यू रेशो। तो बच्चों अब बताइए क्या आपका आंसर सही है, अगर सही है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप एक बार फिर से सॉल्व कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं केस 4 की तरफ।
तो बच्चों ये है केस 4 जिसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। ये केस 3 का ही एक्सटेंशन है, मतलब कि आपको केस 3 की तरह ही सॉल्व करना है, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है इसमें। वो क्या कि ए ने सी के फेवर में जो सेक्रीफाइस किया है वो इस बार फाइंड करना है, मतलब अपनी प्लेट से उठा के जो उसने सी की प्लेट में रखा है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही बी ने अपनी प्लेट से उठा के सी की प्लेट में जो रखा है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो बच्चों कैसे फाइंड करेंगे, देखिए लिखा ए सरेंडर्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, मतलब ए अपने शेयर का 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है सी के फेवर में। तो हम कह सकते हैं एज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी, अपने शेयर का 6/10 का 1/6, तो ये हो गया 1/10। ऐसे ही हम बी का फाइंड करेंगे, बीज सैक्रिफाइस इन फेवर ऑफ सी, अपने शेयर का 4/10 का 1/4, तो ये भी हो गया 1/10। तो ए और बी ने अपनी प्लेट से कितना पिज्जा उठा के सी के प्लेट में रखा है ये हमें फाइंड करना पड़ गया। आगे क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही करना है। तो एज न्यू शेयर, अब ए की प्लेट में क्या बचा है, 6/10 पहले था उसने 1/10 दे दिया, तो रह गया 5/10। बी की प्लेट में क्या बचा है, 4/10 - 1/10, तो 3/10। और सी की प्लेट में 2 pieces 1/10 + 1/10, तो ये हो गया 2/10, यानी 5/3/2 न्यू रेशियो आ गई हमारी। तो समझ आया आपको, अब बिल्कुल इसी के जैसा मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करना ईमानदारी से। तो बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिख दिया है आपके सामने, ए ने अपने शेयर का 1/5 सरेंडर किया है सी के फेवर में और बी ने अपने शेयर का 1/4 सरेंडर किया है सी के फेवर में। जल्दी से स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किसका आंसर सही आता है। तो बच्चों अब मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने, ए ने सी के फेवर में कितना सेक्रीफाइस किया है, अपने शेयर का 5/9 का 1/5, तो ये हो गया 1/9, मैं ऐसे बना देता हूं जिससे कि आपको समझ आ जाए। और बी ने सेक्रीफाइस किया सी के फेवर में, अपने शेयर 4/9 का 1/4, तो ये हो गया 1/9। अब एज न्यू शेयर फाइंड करना है तो 5/9 में से माइनस कर देंगे 1/9, तो ये हो गया 4/9। और बी का न्यू शेयर फाइंड करना है तो 4/9 में से माइनस कर देंगे 1/9 जो उसने सी को दिया है, तो 3/9। और सी का शेयर तो वो है जो उसने दोनों प्लेट से उठाया है, उसे प्लस कर दो, तो 4/3/2 हो गई न्यू रेशो। बच्चों ये केस 4 पे बेस्ड ही क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, मेरे असाइनमेंट पे क्वेश्चन नंबर 7 है। कम्युनिटी टैब पे आप असाइनमेंट देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी ये असाइनमेंट है मेरा। इस क्वेश्चन में एक्स और वाई 3:2 में बिजनेस करते हैं और पी और क्यू दो नए पार्टनर बुलाए हैं इस बार इन्होंने, दो से काम चल नहीं रहा था, इनको लगा कि शायद दो और लोग चाहिए तभी हमारा बिजनेस इतना बड़ा है हम इजिली चला पाएंगे, तो इन्होंने पी और क्यू को बुलाया अपने फर्म के अंदर। अब प्रॉब्लम ये थी कि किसको कितना शेयर दें, इसमें दिक्कत आ रही थी। तो एक्स ने बोला अपने शेयर में से मैं 1/3 दे देता हूं पी को, और वाई ने बोला कि मैं अपने शेयर का 1/4 दे देता हूं क्यू को, लेकिन ऑफ लिखा हुआ है, सरेंडर्ड ऑफ लिखा हुआ है, मतलब ये कि फाइंड करना पड़ेगा कि एक्स ने एक्स ने पी के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है और फाइंड करना पड़ेगा कि वाई ने क्यू के लिए कितना सेक्रीफाइस किया है। तो एक्स इज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ पी, अपने शेयर 3/5 पी के अपने शेयर का 1/3, इसका मतलब 1/5 सेक्रीफाइस किया है। वाई इज सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ क्यू, अपने शेयर का 1/4, तो ये हो गया 1/10, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। तो ये शेयर भी मिल गया हमको कि P का शेयर 1/5 हो गया और Q का शेयर 1/4
10 हो गया, मैंने पिज्जा की शेप दे दी है थोड़ी सी, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि एक्स का न्यू शेयर क्या होगा और वाई का न्यू शेयर क्या होगा। पी और क्यू के शेयर तो हमें मिल गए हैं बच्चों, एक्स इज न्यू शेयर जो उसकी प्लेट में रखा था उसमें से माइनस कर दो जो उसने दिया है, वाई इज न्यू शेयर जो उसकी प्लेट में रखा था माइनस कर दो जो उसने दिया है, और P का शेयर तो 1/5 है और Q का शेयर 1/10 है, बस आपको बेस सेम करने हैं। तो यहां पे ये हो गया 2/5 3/10 1/5 और 1/10, ये मैंने यहां पे लिख दिया है। अब देखिए बच्चों बेस सेम करना है, अपॉन में 10 आना चाहिए, तो मैं इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यहां 10 है पहले से, यहां भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे 10 है पहले से, तो ये हो जाएगा 4/10 3/10 2/10 और 1/10, 4-3-2-1 न्यू रेशियो आ गया बच्चों। कैसा लगा ये क्वेश्चन? अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें ए और बी दो पार्टनर्स हैं, सी को एडमिट करते हैं, एडमिट करने के बाद लगता है कि नहीं एक पार्टनर और होना चाहिए, तो फिर उसके बाद एक और पार्टनर डी को एडमिट करते हैं, तो चलिए वैसा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने लिखा है ये भी मेरे असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें ए और बी 3:2 में बिजनेस करते हैं, सी को उन्होंने 1/4 के लिए बुलाया, उसे बुलाने के बाद जब इन्होंने न्यू रेशियो निकाल ली उसके बाद फिर फील हुआ कि नहीं यार एक पार्टनर और होना चाहिए। तो अब ए बी सी अपना रेशियो निकाल चुके थे, उसके बाद इन्होंने देखा कि नहीं यार एक पार्टनर और होना चाहिए, तो फिर नया पार्टनर बुलाया 20% के लिए, 20% का मतलब होता 1/5, तो डी को बुलाया इन्होंने 1/5 के लिए। तो इसको थोड़ा लेंथी तरीके से करते हैं हम लोग जिससे तुम्हें बात समझ में आए, फिर बाद में शॉर्टकट भी आप लगा सकते हो। तो पहले हम सी को न्यू पार्टनर लेके एक न्यू रेशियो निकाल लेंगे एबीसी की, निकालने के बाद फिर दोबारा से भूल जाएंगे कि सी न्यू पार्टनर है, हम एबीसी को ओल्ड पार्टनर समझ के डी को नया पार्टनर मान के फिर दोबारा से सॉल्व कर देंगे। तो ए इज न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा का 3/5, तो ये हो गया 9/20। बी इज न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा का 2/5 और सी का 1/4 है, बेस सेम करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/20, तो न्यू रेशो हो गया 9/6/5। ये हो गया ए बी सी का रेशो, लेकिन अब डी नया पार्टनर आ रहा है तो हम भूल जाएंगे कि सी न्यू पार्टनर था। अब एबीसी को ओल्ड अज्यूम करके बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सॉल्व किया है, अब डी को न्यू पार्टनर मान के फिर से सॉल्व कर देंगे। तो डी को अगर हम 1/5 देते हैं तो बच गया कितना 4/5, तो ए इज न्यू शेयर बचे हुए पिज्जा 4/5 बचा हुआ पिज्जा है, इस बचे हुए पिज्जा का 9/20। बी इज न्यू शेयर इस बचे हुए पिज्जा 4/5 का 6/20 और सी इज न्यू शेयर इस बचे हुए पिज्जा 5/20, तो 36/24 अभी डी का शेयर भी लिखना है, डी का शेयर है 1/5, बेस सेम करने के लिए 20/20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 36/24/20 and again 20, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9/6/5/5 तो बच्चों इसको सॉल्व करना है इस तरीके। तो बच्चों रिमेनिंग केसेस हम कल की लाइव क्लास में करेंगे, आज के लिए।